वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट की ट्रिक मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर कर दी थी, लेकिन उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता है ये मोल कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक। सो लेट अस स्टार्ट मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में मोल जो वर्ड है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट थोड़ा सा इसका अपन बैकग्राउंड देखते हैं कि ये मोल बताता क्या है। देखो मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन का वीडियो कराया था, यूनिट कन्वर्जन का वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है उसको जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि यूनिट कन्वर्जन में हमने दो चीज़ें देखी थी, फिजिकल यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है किसी भी सब्सटेंस का मटेरियल या प्रॉपर्टी होती है, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मटेरियल इस दुनिया में हो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसे अपन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसे अपन मेजर कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे लेंथ हो गया, जैसे मास हो गया, ठीक है, जैसे हमारे पास वॉल्यूम हो गया, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इन फिजिकल क्वांटिटीज में डिफ्रेंशिएशन करने के लिए, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, इनको पहचानने के लिए हमारे पास यूनिट होती है। जैसे अगर मैं बोलूँगा मीटर तो हमें क्या याद आएगा, क्या याद आएगा, जब हम मीटर बोलूँगा लेंथ याद आएगा, मास याद आएगा, वॉल्यूम याद आएगा, टाइम याद आएगा, करंट याद आएगा। तो क्लियर सी बात है, मीटर का मतलब हमें लेंथ याद आएगा। तो मीटर जो है ये यूनिट हो गई, और ये किसको आइडेंटिफाई करने के लिए काम आ रही है बताओ, लेंथ जो कि फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इज दैट क्लियर। अच्छा, ऐसे ही एक फिजिकल क्वांटिटी और होती है जिसे अपन बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या बोलते हैं, देखो मास भी अमाउंट ही है, अमाउंट का मतलब ये होता है, अमाउंट को हम अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम अमाउंट को वेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसे अपन मास को, जिसकी यूनिट मास हो गई। अमाउंट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, इसकी यूनिट लीटर हो गई, मिलीलीटर हो गई, सेंटीमीटर क्यूब हो गई, मेट्रिक सिस्टम में। इसी तरह से अगर अपन बात करें तो अमाउंट को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं अमाउंट को, भाई जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतना ही ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, क्लियर है। तो वहाँ से शुरुआत होती है मोल की, जब हम अमाउंट को नंबर ऑफ पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में जो है रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं तो वहाँ से मोल का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो यूनिट है वो है मोल। अब देखो इसका बैकग्राउंड क्या है, स्टार्ट कहाँ से, मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, किसी सब्सटेंस का अमाउंट मुझे मेजर करना है, ठीक है, तो उसकी यूनिट होती है मोल, क्लियर है। लेकिन ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, वेट के रिस्पेक्ट में मेजर नहीं करें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट। आप देखो एक एवोगैड्रो नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था मोल कॉन्सेप्ट को लाने में। ए साइंटिस्ट एवोगैड्रो सेड दैट वी कैन नॉट काउंट पार्टिकल्स लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एक्सेट्रा। हम इन पार्टिकल्स को काउंट नहीं कर सकते, जैसे एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बिकॉज दीज पार्टिकल्स प्रेजेंट वेरी हाई नंबर इन वेरी स्मॉल पोर्शन। एक छोटे से पोर्शन में ही ये बिलियंथ ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। एक लिक्विड का जो ड्रॉप होती है, लिक्विड की ड्रॉप, उसके अंदर बिलियंथ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के ड्रॉप, तो उन वाटर के मॉलिक्यूल से एग्जैक्ट नंबर में गिनना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, नहीं गिना जा सकता। जब पार्टिकल बहुत छोटा होता नहीं गिन सकते, वन ड्रॉप ऑफ लिक्विड वाटर कंटेन बिलियंथ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो सॉल्व आवर कैलकुलेशन प्रॉब्लम एवोगैड्रो एंड सिमिलर साइंटिस्ट, एवोगैड्रो और उसके साथ के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कार्बन 12 आइटम पर। किस पर, कार्बन 12 आइसोटोप ऑफ कार्बन, कार्बन का आइसोटोप होता है एक कार्बन 12, एक कार्बन 13 और एक कार्बन 14 होता है। सबसे ज़्यादा जो नेचुरल अबंडेंस होती है वो कार्बन 12 की होती है। उस पर किया किससे, मास स्पेक्ट्रोमीटर से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एपरेटस, इस एपरेटस को उन्होंने यूज किया। ये एपरेटस का काम करता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर एक एपरेटस होता है विच मेजर द मास ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके मास को वो ऑब्जर्व कर सकता है, उनको वो मेजर कर सकता है, ठीक है। तो बाई स्पेक्ट्रोमीटर इट इज फाउंड दैट द मास ऑफ वन कार्बन एटम, मतलब इस मास स्पेक्ट्रोमीटर से आप छोटे छोटे पार्टिकल्स का मास भी निकाल सकते हो, बड़े बड़े पार्टिकल्स का मास निकाल सकते हो। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कांटे होते हैं मिल्की वे से, उससे अपन बड़े पार्टिकल का मास निकाल सकते हैं। अगर आप उसमें एक एटम रखोगे तो उसका पार्टिकल को ऑब्जर्व करके आपको देगा ही नहीं, रीड ही नहीं करेगा, इतना हल्का होता है पार्टिकल, लेकिन ये उसको कर लेता है, बहुत ही महंगा आता है, ठीक है।
जो डिजाइन किया गया साइंटिस्टों के थ्रू। बाय स्पेक्ट्रोमीटर इट इज फाउंड दैट द मास ऑफ वन कार्बन एटम, स्पेक्ट्रोमीटर से ये पाया गया एक कार्बन एटम का जो मास होता है वो 12 amu होता है। मैंने क्लियर किया था टॉपिक में 12 amu होता है, और 1 amu का मतलब होता है कितने ग्राम, 0.166 × 10⁻²⁰ ग्राम होता है। क्लियर है? तो यहां से जब हम 12 अगर एक कार्बन एटम का मास निकालें तो एक कार्बन एटम का मास आ रहा है इतना, तो हमने क्या कहा इतना जब मास होगा तो एक कार्बन एटम बनेगा। ध्यान सुनो, इतना मास होगा तो एक कार्बन एटम बनेगा। तो अगर हम 1 ग्राम ले लें तो इतने ग्राम होगा तो एक कार्बन एटम होगा, 1 ग्राम में इतना होगा, इससे डिवाइड कर दूं इतने एटम्स होंगे। 12 ग्राम अगर कार्बन ले लें 12 ग्राम तो उसमें कितने एटम्स होंगे, इसका उनको 12 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो नंबर निकल के आता है ये आता है 6.022 × 10⁻²⁰ एटम्स होते हैं। तो 12 ग्राम को मोलने लग जाते हैं अपन 1 मोल, यानी 1 मोल जो कार्बन होता है 1 मोल कार्बन में इतने कार्बन एटम्स होते हैं। और उसके बाद से फिर मोल कॉन्सेप्ट आया, मतलब मोल कॉन्सेप्ट से मुझे पता लग जाता है कि किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मटेरियल का अगर 1 मोल ले लिया जाए तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने होते हैं, 6.022 × 10⁻²⁰ पार्टिकल्स। इतने जब ऐसे कहते हो इतने पार्टिकल्स अगर किसी भी सब्सटेंस के ले लिए जाए, पार्टिकल्स का मतलब फिर सुन लो, पार्टिकल्स का मतलब आप एटम्स ले सकते हो, आप मॉलिक्यूल्स ले सकते हो, आप इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हो, प्रोटॉन्स ले सकते हो। अगर आप इतने पार्टिकल्स ले लेते हो किसी भी चीज़ के तो उनका जो मास होता है उन पार्टिकल्स का, उस मास को अपन क्या बोलते हैं, मोलर मास, यानी 1 मोल का मास। और वो मोलर मास जो होता है उसे अपन बोलते हैं एटॉमिक वेट इन ग्राम पर मोल, या उसको अपन बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास अगर पार्टिकल मॉलिक्यूल है तो। क्लियर है? जैसे अगर 12 ग्राम की बात करें तो अगर कार्बन का एक एटम है तो उसका मास तो बहुत कम आ रहा है, लेकिन अगर हम इतने सारे कार्बन के एटम ले लेते हैं 6.022 × 10⁻²³ एटम्स अगर अपन ले लेते हैं कार्बन के इतने एटम्स, ठीक है, तो इतने एटम्स का मास किसके इक्वल आएगा, 12 ग्राम के इक्वल, और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच।